डियर स्टूडेंट, आज हम फिर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर में न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो निकालना सीखेंगे। पहले मैंने इसके दो टॉपिक आपको करवा दिए हैं न्यू रेशियो निकालने के, अभी दो टॉपिक और शेष हैं हमारे पास, अभी उनको करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ ए पढ़ता हूं मैं। ए और बी पार्टनर हैं 7:3 में, सी को एडमिट करते हैं 3/7 के लिए, और जिसने आगे लिखा है विच ही टुक 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। तो डियर स्टूडेंट, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2/7 प्लस में 1/7, दिस और दिस इनका टोटल करेंगे। जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये बनेगा 3/7। तो डियर स्टूडेंट, जब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इसे बोलते हैं हम स्पेशल रेशियो। तो ये रेशियो निकालते समय हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, जितना ए का रेशियो है, जैसे ए का रेशियो हमारे पास है 7/10, इसमें सीधा ही माइनस कर देंगे 2/7, बी का 3/10 माइनस कर देंगे 1/7, सी का लिखेंगे 3/7। तो डियर स्टूडेंट, एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 70, 49 माइनस में 20, 70, 21 माइनस में 10, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29/70, 11.70, 11/70, और ये हमें 3/7 है, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना नीचे से करेंगे उतना ही ऊपर से करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30/70। तो इनका रेशियो जो बनेगा 29:11:30। इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन करना है। इसका भी एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा इसी टॉपिक का, तो देखेंगे, क्योंकि यहां तो इसमें सेम पता चल रहा था 3/7 हो रहा है या भी 3/7 हो रहा है। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं तो देखते हैं। ये स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ही बी पार्ट हम करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है राम एंड श्याम पार्टनर है 7:5 में, और मोहन को एडमिट करते हैं 1/6 के लिए, विच ही टैक्स 1/24 फ्रॉम राम एंड 1/8 फ्रॉम श्याम। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है स्पेशल रेशियो वाला ही है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 1/24 प्लस में 1/8 को प्लस करके देखना है। प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका जो एलसीएम आएगा 24, और यहां आएगा 1 + 3, 4/24। जब इसको कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/6। तो डियर स्टूडेंट, दिस एंड दिस बराबर इक्वल है, तो अभी इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, सीधा ही क्या करेंगे, राम का लिखेंगे, राम 7/12 माइनस में 1/24, श्याम का लिखेंगे 5/12 माइनस में 1/8, और मोहन का लिखेंगे 1/6। तो डियर स्टूडेंट, एलसीएम लेंगे 24, यहां आ जाएगा 14 माइनस में 1, एलसीएम ले लेंगे 24, 10 माइनस में 3, सॉल्व करेंगे 13/24, 7/24। तो डियर स्टूडेंट, 24 और 1/6 इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4/24 इनका जो रेशियो आएगा 13:7:4, ये हमारे पास आंसर आएगा। अभी हम इसका जो लास्ट टॉपिक है न्यू रेशियो निकालने का,
वो करेंगे तो ध्यान से देखेंगे। लास्ट टॉपिक भविष्य फाइंड आउट करने का, डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूं मैं अभी, जैसा कि आपके सामने लिखा भी हुआ है, ए और बी पार्टनर है 7:3 में, सी को एडमिट किया है। डियर स्टूडेंट ये फोर्थ कंडीशन आपको पता कैसे चलेगा, ये सर फोर्थ कंडीशन है। तो डियर स्टूडेंट जो फोर्थ कंडीशन से रेशियो निकालना है हमें, उसके अंदर जो न्यू पार्टनर होगा उसका रेशियो नहीं दिया होगा, तो आपने क्या करना होगा, जो पार्टनर ओल्ड पार्टनर उसके लिए त्याग करेंगे उन दोनों का जोड़ करके ही न्यू पार्टनर का रेशियो फाइंड आउट किया जाएगा। कैसे, ए और बी पार्टनर है 7:3 में, सी को एडमिट किया लेकिन सी का रेशियो नहीं दिया हुआ है, ए ने सेक्रीफाइस किया है 2/7 ऑफ हिज शेयर एंड बी ने सेक्रीफाइस किया है 1/7 ऑफ हिज शेयर। तो डियर फ्रेंड यहां लिखेंगे ए सरेंडर 2/7 ऑफ हिज शेयर, हिज शेयर कितना है 7/10 इन फेवर ऑफ सी। इसको सॉल्व करेंगे 2/7 मल्टीप्लाई 7/10 14/70, जैसा मैंने बताया मल्टीप्लाई का साइन है तो ऊपर की ऊपर से और नीचे के नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार बी सरेंडर 1/7 ऑफ 3/10 ऑफ हिज शेयर, बी का 3/10 इन फेवर ऑफ सी। सॉल्व करेंगे 1/7 मल्टीप्लाई 3/10 3/70। तो ए ने जो सेक्रीफाइस किया है 14/70 और जो बी ने सेक्रीफाइस किया है 3/70। तो अब क्या करना है, इन्होंने इतने इतना सेक्रीफाइस कर दिया तो आपने आपने क्या करना है, एज न्यू शेयर 7/10 में से माइनस कर देंगे 14/70 क्योंकि इसने दे दिया इतना, बी का बीज न्यू शेयर 3/10 माइनस कर देंगे 3/70 और लिखेंगे सीज न्यू शेयर, सी का शेयर कहां से लिखेंगे, जो ये इन्होंने सेक्रीफाइस किया है ए और बी ने, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो देखेंगे 14/70 प्लस में 3/70। सोल्व करेंगे 49 माइनस में 14, सोल्व करेंगे 21 माइनस में 3, सोल्व करेंगे 14 प्लस में 3, आंसर निकाल देंगे डियर स्टूडेंट 35/70 ये इनका न्यू रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन करना है, हमारा न्यू रेशियो निकालने का जो टॉपिक है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसके बाद हमें जो टॉपिक करना है वो है सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट करने का। तो डियर स्टूडेंट सेक्रीफाइस रेशियो जब भी आपने फाइंड करना है तो इसका जो फॉर्मूला आपने यूज करना है सेक्रीफाइस रेशियो का, सेक्रीफाइस रेशियो के लिए आपने ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो का फॉर्मूला यूज करना है। तो डियर स्टूडेंट जैसे क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, एबीसी पार्टनर है 5:3:2 में और इन्होंने डी को एडमिट किया है, डी को एडमिट करने के बाद ए बी सी डी का जो न्यू रेशियो है वो है 3:2:2:3। तो आपने क्या करना है, ये फार्मूला यूज करना है। तो आपने जो ओल्ड पार्टनर है सिर्फ उन्हीं का सेक्रीफाइस रेशियो निकलेगा, न्यू पार्टनर तो हमारी फर्म में आया है तो वो तो गेन करेगा हमेशा, हमें जो सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर का निकलेगा। तो देखेंगे
ए का जो ओल्ड रेशियो है 5/10, न्यू रेशियो है 3/10, बी का जो ओल्ड रेशियो है 3/10 और न्यू रेशियो है 2/10, और सी का जो ओल्ड रेशियो है 2/10 और जो न्यू रेशियो है वो भी 2/10। सॉल्व करेंगे 10, 5 माइनस में 3, 2/10, सॉल्व करेंगे 10, 3 माइनस में 2, 1/10, सॉल्व करेंगे 10, 0 माइनस में 0, 0/10। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में जो सेक्रीफाइस है सिर्फ दो ही पार्टनर कर रहे हैं, ए और बी, इनका जो सेक्रीफाइस रेशियो होगा 2:1। इस प्रकार हमें क्वेश्चन करने हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 9468092009 पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।